वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी मम्मी कह रही थी पीछे कि तू कंघी भी नहीं करती ऐसी शुरू हो जाती है व्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने कहा तो क्या हो गया यार अगर मैं ऐसी शुरू हो जाती हूँ तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। सो अभी हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए क्योंकि कल है करवा चौथ और कुछ सामान भी लेना है मम्मी कल की करवा चौथ की पूजा के लिए। तो तभी मैंने आज सिंदूर भी लगाया नहीं है, हस्बैंड से लगवाया। मैंने कहा चुटकू सा लगाना, सब ये कर ले अपनी आरती पूजा कर ले अपनी, जोत जला ले, उसके बाद हम जाते हैं। और मैंने फिलहाल घर का काम करने के लिए इसको बुला लिया क्योंकि हम तो जा रहे हैं ना। ऑब्वियसली अब मैं जा रही हूँ तो फिर काम कौन करेगा, घर का आप ही करोगे ना रवीना जी, है? और मेरी चुटकू बेबी को भी तो संभालना है, उसको भी तो आप ही संभालोगे, है कि नहीं? मैं नहीं, खुश हो जाती तारी, आप बोल रही हो मैं देखो, है कि नहीं? चलो अभी मैं फटाफट से सामान पैक। गाइस कैन यू सी, ये सारा सामान है जो मुझे अभी पैक करना है। दिस इज़ माई साड़ी फॉर टुमारो, लेट्स सी मैं ये पहनूंगी या कुछ और पहनूंगी। मैं दो ड्रेसेस लेके आई हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट कि मैं ये साड़ी पहनूंगी या नहीं पहनूंगी, मुझे फीलिंग नहीं आ रही है। दो मुझे पहननी चाहिए क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू वेयर बनारसी साड़ी है ना शादी से ही, बट पता नहीं क्योंकि फीलिंग नहीं आ रही, मुझे लग नहीं रहा कि मैं पहन पाऊँगी। कि वो कहूँ मेरे सामान से उड़ जाए यार, इसको बस हर जगह आना होता है जहाँ पर मैं बैठूँ। तो ये भी मेरी एक ड्रेस पड़ी हुई है, ये जस्ट इग्नोर दिस। तो बस अभी आके फटाफट पैकिंग करनी है, पैकिंग करके मेहंदी लगवा के पैकिंग करके और हम निकल जाएंगे क्योंकि मम्मी कह रही है कि आपको पहला करवा चौथ वहीं पर सेलिब्रेट करना है। कि वो तू भी चलेगी हमारे साथ? नो यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग बेबी, यू आर नॉट गोइंग। मेरी पैकिंग तो हो गई है, बस जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं अभी चली जाऊँ तो फिर पैकिंग कौन करेगा, तो इसलिए मैंने पहले पैकिंग कर ली, अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। एक गोल का पाप खा लेना आपको और देने फिर डाल दो एक प्लेट, ठीक है ना? ठीक है, शक्ल बनी हुई है मेहंदी लगवाई। अरे ये नाराज इसलिए कि मैं शूट नहीं कर पाया मेहंदी का बिकॉज क्योंकि मुझे और भी सामान लेना था, हम लेट हो रहे थे, तो मैंने कहा इसको मैं सामान ले आऊंगा तो जब तक लगवाना, कह रही हाँ ठीक है। और उसके बाद मैं सामान लेकर आया हूँ तो कह रही अंशु मैं नहीं करा ना, नहीं मैं शूट नहीं करी ना। मैंने कहा शिवाली मैं तेरे को बोल के गया हूँ कि मैं जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। नहीं नहीं, मैंने आपको कहा अंशु गाड़ी पार्क करो, वहीं से आसपास जो सामान मिल रहा है वो ले लो। आपने वो तो क्या, आप तो गाड़ी निकाल के पता नहीं कहाँ निकल गए, आपको पता मार्केट में कितनी भीड़ होती है? ये वाली मार्केट में थी, बाहर नहीं थी कहीं पर भी। ओहो तो मार्केट में ही बोल रहा ना, आपने कहा ना गाड़ी निकालने, मुझे आधा घंटा लग गया। इतनी एनर्जी वेस्ट मत करो, कल ज्यादा भूख लगेगी फिर तुम्हें। अभी तो खा सकते हैं लेकिन मैंने मेहंदी का वो रह गया। देखो मैंने आपका नाम अच्छा दिखाओ, मैं दिखा रही अच्छा अच्छा व्लॉग में दिखा दो, मेरे को मत दिखाओ मेहंदी, तो दिखा दो। अच्छी नहीं लगी, जिसकी साथ वाली की दिख रही उसकी पसंद लगी थी मेहंदी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, उसने भर भर के क्यों नहीं बनाई यार, बोला था उसको भर भर के बनाने के लिए लेकिन वो नहीं बना रही। यार उसने मेरा नाम कितने, एक तो पहले इसने गलत है वो डाले अक्षर, वो डबल ही नहीं लिखा, हाँ आई लिख दिया। ये क्या मतलब, जब मैंने कहा आई नहीं आई है बट वो लिखा गया है तो मैं क्या करती। एनसी नाइस, पैरों पे भी लगवाए तुमने? हाँ मैंने पैरों पे भी लगवाई, दिख रही है क्या? दिख रही है। एक्चुअली पता क्या है, ये ना जब मेरी लग रही थी ना, मेरी देखते देखते लेके बहुत लोग आ गए, मेरे लगाए 200 रुपए हाथ जब तक लग रही थी, तो उस टाइम पे किसी को उसने 400 रुपए हाथ में बिठा दिया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है ना, प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। नहीं प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, और वैसे भी बंदा जैसे फंस जाए ऑब्वियसली। नहीं ये तो यही है, पहले दिन में 100 रुपए लगा रहे थे और कोइंसिडेंस देखो, मेरा भी थोड़े दिन पहले ना एक बॉडी चेकअप के लिए वो टेस्ट के लिए आई थी घर पे, और वो जो टेस्ट सैंपल वगैरह लेके गई थी वही मेहंदी लगाने के लिए बैठी हुई थी। मेहंदी सुंदर लगा रही थी वो वाली लड़की, लेकिन यार वो बिजी थी ना, वो फ्री थी, मैं उससे लगवाती, मैंने उसी की देख के ही मैंने बोला कि हाँ अगर पता होता कि वो लगा रही है तो उसको पहले ही बोल देते ना कि आप मेहंदी भी लगाते तो आप आगे लगा देना। आके तो वो क्या ही लगाती, बट स्टिल यार हाँ मतलब दिन में लगवा लेती है, आई डोंट नो दैट। चलो चलो कोई बात नहीं, अब चले ऊपर सामान लेने। हाँ फटाफट यार, नो देख रही है ना क्या कर रहे हो तुम, ये क्या चीज़ है, ये मेरे से मजदूरी करवा रही है, पैसे लूंगी मैं पूरे। कितने? ऑलरेडी मैं मेहंदी के बहुत सारे पैसे देके आई हूँ, इसके अलावा 1 रुपया नहीं मिलने वाला मेरे को। कितना काम करवाया तूने मुझसे? क्या कपड़े डलवाए तेरे से मैंने? कपड़े डलवाए, चद्दर भिजवाई है, और भी काम करवाया, फ्रूट दिलवा के कपड़े खुले हुए कपड़े भिजवा दिए।
चले हो गया, चलो यार लेट्स गो, ठीक है ना? हाँ चलो। जाना हमने एक दिन के लिए और सामान देख रही कितना बड़ा है यहाँ पर, बहुत सारा। हाँ चलो फाइनली अब हम निकल रहे हैं, मेरी मेहंदी हो गई, अंशु गया ऊपर कीवी को छोड़ने के लिए, एंड वी आर लीविंग। दिखा मेहंदी, देखिए। So finally reached. Gate खोल दो मैडम आपके लिए। हाँ गेट खोल दो प्लीज। आई लो भाई। क्या मैं नंगे पैर आऊँगी? हाँ। तपस्या करती हुई। तपस्या करते हुई। नीचे ना डॉगीज़ ने पॉटी की होती हैं। उठाकर ले चलो मैं। देखना ना। क्या देखना है? अभी उठा रहा हूँ। अभी उठाए। चलो। सामान कौन उठाएगा? सामान बहुत सारा, जानू को बुलाया। ये सामान ये भी है, ये भी उठाना। ठीक है, ओके। ठीक है। तब आप कैमरा निकाल लेते यार, आई हेट यू। जब मेरा मूड सड़ता है तब आप कैमरा निकाल लेते हैं। उससे पहले कहाँ होता आपका कैमरा? फोन 3:40 हो रहे हैं और ये कुड़कुड़ कर रही जा रही है, कुड़कुड़ 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 कर जा रही है। मैं इसको बोल रही हूँ मेरी मेहंदी की रील नहीं बनाया आपने। हाँ तो टाइम नहीं था, मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को टाइम नहीं मिला। अरे भगवान, ऐसे करके यूं 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 कैमरा करने में कितनी देर लगती है। गेटिंग रेडी, सर्गी टाइम। सुंदर लग रहे हैं। हाँ सुंदर है। पैर में फिट नहीं हो रही है। तो कसूर किनका है, इनका या फिर पैरों का? आपका। मेरा? हाँ। मेरा कैसे हुआ? तेरी कैसे पहनते हैं? ऐसे? ऐसे टाइट कर लो। चले मैडम, इट्स 4:25। 4:45? 45 नहीं, 25। अच्छा मेरे को लगा फिर लेट हो, अभी तो ठीक है। चलो चलो चलो। आई जस्ट गॉट रेडी, इतनी बड़ी मांग भरी है मैंने, देख रहे हो कितनी बड़ी मांग भरी है। फर्स्ट करवा चौथ आफ्टर मैरिज। यस, मम्मी ने तो सब रेडी करके रखा है। मम्मी ने सब रेडी करके रखा है, आपने भी सर्विंग करनी है? नहीं यार, मैं तो मैं वो दे रहा हूँ कंपनी खाने में। खाने में कंपनी देती हूँ मैं, ऑफिस में भी यार सबको कंपनी देता हूँ। वॉकर, मैंने अभी लेंसेज पहने हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ मेकअप के लिए। ऐसी उठी हूँ क्योंकि मैं मेकअप करके ही सो गई थी, और जिस मैंने लेंसेज पहने की मैं रेडी होने जा रही हूँ, जिस उठी मम्मी ने कहा चलो चलो रेडी होने जाना है, सो गई थी मैं। उसके बाद सर्विंग करके ऐसी सूट में, अंशु वॉशरूम में है, और ये रहा मेरा सामान। जस्ट गोना गो गेट रेडी और फिर रेडी होके वापस आते हैं। रेडी होके आके भी सेट हो रहा है मामला, मुझे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना। हाँ ये तो है यार, देखो ना किसी लड़की को नहीं मिलता होगा। नहीं यार, आई डोंट नो, बहुत लोग नहीं टच करते हैं, बस ठीक है करते हैं, मेरे को नहीं होता, मुझे हमेशा ओवर लगता है। अच्छा दिखा दो सही, अब सही कर दी साड़ी तुमने। अरे रुक जाओ यार, अभी मैं मांग लेता हूँ। हाँ पूरा अच्छे से फिल कर देना। क्या अच्छे से फिल कर दूँ? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खुश खुश क्यों, कैसे हो रहा है? हाँ दे देता हूँ, कौन सा सामान चाहिए बताओ? पानी पीवा तू कत्ती ना तेरी ना, घूम के लकड़ा फेरी ना, बाण पैर पाई ना, सुतरा जगाई ना, रुठड़ा मेरी पापी रेडी। चलो यार चलो यार, अब तो मुझे प्यास लग रही है। चलो चलो, पिछली बार तो चांद देखा ही नहीं था हमने। हाय, चार फ्लोर पे आके थक गई मैं तो। सब चले गए क्या करके? हाँ हम आधा घंटा लेट है, हमने आधा घंटा ज्यादा नीचे गप्पे मार रहे हैं मजे से।
यार ये मैचेस सही नहीं है। ओहो यार ये सच में सही नहीं, मजाक नहीं कर रही, वहां पर भी नहीं चल रहा था। अच्छा हाँ। 10 मिनट का यही डाल दें व्लॉग माचिस जलाने का। पूछ लो मम्मी से क्या हुआ, बताओ ये माचिस सही नहीं थी ना। माचिस ले सांस ले, मम्मी आप जला दो। ले ले पुत्र ले। क्या मम्मी से भी नहीं जल रही थी पहले? नहीं बेटा वो ना माचिस सील जाती है बारिश जब मौसम थी ना पुत्र, अच्छा बन सारा पैकेट ही। हंस क्यों रहे हो? मम्मी की हंसी आ रही है। हंस रहे हैं मम्मी के सामने पहली बार है ना। कोई नहीं मेरे जाना थोड़ा शर्मीले हैं, शर्मीले हैं। कोई नहीं बज गया। लाइन लगी है, सबको भूख लगी है आज। हम तीसरी बार सैंडोज आ रहे हैं ना, है ना? हाँ। वहाँ पे पता और रश होता। कहाँ पे? मतलब वही जो बता रहा हूँ ना, जैसे सम्राट विक्रांत वगैरह, अच्छा। वहाँ और ज्यादा रश होता। तो प्यास लग रही है पता है, घर पानी भी लाऊं? हाँ ला दो, देखना पड़ेगा यहाँ आसपास कोई दुकान है। बोल तो ऐसा जैसे उसको पता है यहीं कहीं है। अच्छा लग रहा है पास्ता चटनी के साथ, चटनी प्याज के साथ, चटनी प्याज के साथ अच्छा लग रहा है। वैसे भी अच्छा लग रहा है। तड़का मार दिया मैंने पास्ता में तड़का। अभी अभी खाना खाया और हम वापस घर जा रहे हैं। मेरे को चेंज करना था यार, बट गाड़ी में अब सारा सामान रख ही दिया, बस एयरिंग रह गया, सेट भी उतर गया। मेरे ना यहाँ गर्दन में ना निशान भी पड़ गए सेट के, इरिटेट कर रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। बस अब घर जाके कपड़े चेंज करने हैं। अगली बार थोड़ा सा फॉर्म लगा देना। क्या गर्दन पे? गर्दन पे नहीं, उस पे हार के नीचे। हाँ हार के नीचे फन लगे थे ने। कुछ भी वो था ऐसा ना, तो वो साइड से कर थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, बट इतना कौन करेगा। बस हमारा तो करवा चौथ बहुत अच्छा रहा, हमने फोटोज़ वगैरह भी डाली हैं इंस्टाग्राम पे, डू चेक इट आउट। उसका लिंक भी नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने भी अपने अकाउंट पे डाली हैं, हमारे अपना जो हमारा पर्सन मतलब हम दोनों का जो अकाउंट है उस पे भी डाली हैं, दीप शेफ वर्ल्ड के नाम से इंस्टाग्राम पे। सो डू चेक इट आउट आर पिक्चर्स एंड ऑल दैट। बाकी सब तो ठीक है। हस्बैंड जी मेरे गिफ्ट कल लाई हो तुम? हाँ वो लाया ना। क्या एक बार पहन के तो देखना, क्या पता अच्छा लगे। ये मेरे लिए बॉडीकॉन ड्रेस लेके आया बीच में निकल के। अबे मुझे पता है, मुझे पता है गिफ्ट लेने जा रहा है, चल रहा है। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही साड़ी पहन के मार्केट, है तो इसको पहले लेके आना चाहिए। फिर गया लेके आया और लेके आया बॉडीकॉन ड्रेस। मैं पहनती भी नहीं हूँ बॉडीकॉन ड्रेसेस, बट इस ये कब से कह रहे हैं कि यू शुड वेयर। मैं अपने बॉडी टाइप की वजह से नहीं पहनती हूँ, तो इसीलिए वो एक्सचेंज हो गया। हम नेक्स्ट टाइम जब यहाँ आएंगे, मे बी नेक्स्ट वीक, लेट्स सी। और इतना इतना मेकअप है अभी उतारना है मेरे को। अभी रास्ते में ना मैंने ना सैंडोज का ना वाइप लेके आई हूँ मैं, जहाँ से हमने खाना खाया है। ये मुझसे पूछ रहा था कि तुमको वाइप क्यों उठाना है, तो मुझे रास्ते में मेकअप साफ करना है। साफ करने के लिए उन्होंने दिया और इसने मैडम ने रख लिया अपना मेकअप साफ करने के लिए। ऑब्वियसली मैं घर जाऊंगी, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, मैं बस कोई वाइप नहीं है। पड़े हुए डब्बे जबकि वो घर में पड़े हैं ना, अब यहाँ तो नहीं है मेरे पास। मेकअप रिमूवर है मैं लेके आई हूँ, कॉटन है लेकिन वो बैग में पैक हो गई है, वो अब थोड़ी निकालूंगी मैं अभी तो घर जाके। तो रस्ते में मेकअप साफ करने के लिए पूछ रहे ना क्यों लगी, इसलिए मैंने आपसे निकलवाए थे वहाँ पर। डालो अपनी पॉकेट में, मेरे पास तो पॉकेट है नहीं। सो दिस इज इट फॉर द ब्लॉग। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। करेंटली साइनिंग आउट, बाय बाय।